नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे होंठ की संरचना और बीमारियां के बारे में। पूर्व जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। होंठ मानव शरीर का सबसे कोमल, लचीला और मुलायम अंग है। इसके द्वारा न केवल चेहरे की खूबसूरती का पता चलता है, बल्कि इंसान के चेहरे के हाव भाव का भी पता चल जाता है। आंखें और होंठों की प्रतिक्रिया से किसी भी मानव के मन की बात को समझा जा सकता है। हम अपने होंठों का इस्तेमाल अक्सर खाने, हंसने और बोलने के लिए करते हैं। यह आहार को ग्रहण करने में मदद करने वाला होंठ ध्वनि का उच्चारण करने में बहुत ही सहायता करता है, जिसके कारण मनुष्य गले से निकलने वाली ध्वनि को वार्तालाप में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। होंठ संवेदी अंग होता है। यह पुरुष और नारी के अंतरंग समय में कामुकता को बहाने में अहम भूमिका भी निभाता है। होंठों की संरचना। एक, होंठ दो भागों में विभाजित होते हैं, ऊपरी और निचली होंठ। दो, ऊपर वाले होंठ के मांसल उभार को कामुक अंग भी कहा जाता है। तीन, जिस हिस्से में होंठ त्वचा के साथ स्पर्श करते हैं उस हिस्से को वर्मिलियम बॉर्डर कहते हैं। चार, उसी तरह होंठों की लाल खाल को वर्मिलियन जोन के नाम से जाना जाता है। वर्मिलियन जोन मुंह के अंदर की शलेष्मी झिल्ली और शरीर के ऊपर की त्वचा के बीच का परिवर्तन क्षेत्र होता है। पांच, होंठ के 3 से 5 परतें पाई जाती है। छह, जब होंठों की त्वचा में पिगमेंट मेलानिन की मात्रा कम होती है तो होंठ की त्वचा के अंदर रक्त वाहिकाओं के फैल जाने के कारण होंठों का रंग गुलाबी हो जाता है। सात, जब होंठों की त्वचा में मेलानिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है तो होंठ काले नजर आने लगते हैं। आठ, होंठों पर रन तो बाल होते हैं और नहीं पसीने की ग्रंथि होती है। नौ, होंठों पर तैतीय ग्रंथि भी नहीं होती, जिसके कारण हमारे होंठ जल्दी से सूखने और फटने लगते हैं। होंठों के कार्य। होंठ के कार्य कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक, भोजन को ग्रहण करने का कार्य। होंठ में खुद की मांसपेशियां पाई जाती है, जिसके कारण यह आसानी से मूवमेंट करते हैं। होंठ भोजन को पकड़कर मुंह में लेने, पानी पीने और चूसने में इसकी मांसपेशियां खुद हो काम करने लगती है। दो, आवाज। हम जो भी विभिन्न प्रकार की आवाजों को निकालते हैं वो होंठों के द्वारा ही निकाली जाती है। होंठ से बांसुरी, क्लारनेट और सैक्सोफोन जैसे वाद्य यंत्र पर सुरीली धुन को बजाए जाते हैं। तीन, हाव भाव और अभिव्यक्ति। होंठ के द्वारा ही चेहरे के हाव भाव और अभिव्यक्ति को समझा जा सकता है। जब भी आप हंसते हैं या रोते हैं या फिर उत्तेजित होते हैं तो होंठ पर इस भाव नजर आते हैं। हंसते या रोते समय होंठों का खुलना या बंद होना या वक्र का बनना और उत्तेजित होने पर होंठ का फूल जाना इसके संकेत होते हैं। चार, स्पर्श। होंठ की त्वचा के अंदर कई तंत्रिकाएं होती है जो स्पर्श इंद्रियों के हिस्से के रूप में प्रतिक्रिया करती है। होंठ स्पर्श के प्रति बहुत ही संवेदनशील के रूप में पाए जाते हैं, जो गर्मी और ठंड के संपर्क में आने पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। पांच, काम उत्तेजना। होंठ की त्वचा के अंदर तंत्रिकाओं का जाल होता है, जिसके कारण होंठ की त्वचा में स्पर्श इंद्रिया बहुत ही सक्रिय रहती है। इसी कारण होंठ को काम उत्तेजना का क्षेत्र भी कहा जाता है। चुभन और अंतरंगता को बहाने में होंठ की अहम भूमिका होती है। होंठ के रोग। हमारे इन होंठ को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक, होंठ का फटना। दो, होंठ में सूजन। तीन, होंठ पर छालों का होना। चार, होंठों का कालापन। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।